रात के बज रहे हैं 12। मैंने मंगवाए जो औरतें घर से काम करती है ना, होम शेफ। यार हिम्मत है हम लोगों की, तो हम लोग 12 बजे, 2 बजे तक, 3 पहली दफा होगा कि कोई राइडर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं आज आया हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके। रात के बज रहे हैं 12 और मैंने ऑर्डर किया है 2 अंडे वाले बर्गर। मैंने किसी रेस्टोरेंट से नहीं मंगवाए, मैंने किसी ढाबे से नहीं मंगवाया या मैंने किसी स्टॉल से नहीं मंगवाए। मैंने मंगवाए जो औरतें घर से काम करती हैं ना, होम शेफ, उनसे मैंने आज 2 अंडे वाले बर्गर मंगवाए हैं। और जो 2 अंडे वाले बर्गर हैं ना, वो मुझे पड़ेंगे डिलीवरी डाल के तकरीबन 250 रुपये के करीब। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये मैंने 2 अंडे वाले बर्गर क्यों मंगवाए। वो मैंने इसलिए मंगवाए हैं कि आज मैंने सोचा कि जो राइडर मुझे आएंगे ना डिलीवरी करने, आज मैं कोशिश करूंगा, वो जो भाईजान है ना राइडर, उनसे कहूंगा कि भाईजान आप बर्गर खाएं और इसका रिव्यू करें कि ये बर्गर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। और मेरे ख्याल ये भी कोई पहली दफ़ा होगा कि कोई राइडर किसी वीडियो के लिए फूड वो जो है ना रिव्यू करेगा, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें राइडर जो है वो रिव्यू कर रहा हो। तो आज चले वो भाईजान आते हैं ना, तो फिर उनसे आज हम रिव्यू कराते हैं अपने बर्गर का। मैं भी इंतजार करता हूं उनका और आप भी इंतजार करें उनके रिव्यू का। यार हिम्मत है हम लोगों की, तो हम लोग 12 बजे, 2 बजे तक, 3 सुबह 4 बजे तक काम करते हैं, लेकिन हमें कोई ये नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। गाइस आप लोग दिखा दें कि भी आप लोग सपोर्ट करते हैं, हमें आप लोग ही दिखा सकते हैं और कोई नहीं दिखा सकता गाइस हमें सपोर्ट करने के लिए। ये जो भाईजान है ना, ये मेरा ऑर्डर लेके आए हैं, ये मैंने मंगवाया भाईजान एक घर से जो औरत काम करती हैं लेडी, ये उनसे आपने ऑर्डर लेके आए ना? बिल्कुल, होम शेफ से लेके आए। इस दफ़ा मैंने सोचा क्योंकि मैं रेस्टोरेंट वाले से मंगाऊँ, मैंने जो घर से औरत काम करी उनसे मंगाए। और ये कितने लेके आए हैं आप? 2। और इसका क्या बिल बनेगा? इसका 244 रुपीज़ है। मतलब 2 बर्गर जो है वो डिलीवरी समेत 244 में। बिल्कुल ऐसे है। अब आपने दोनों बर्गर जो है ना वो निकाल लिए, ठीक है। एक बर्गर आपके हाथ में, एक बर्गर आप साइड पर रख दें, साइड पर रख दें आप। आपने इनका पहले कभी बर्गर खाया है? नहीं। ये आज खा के दिखाएं कैसा है, इसको पहले खोले ज़रा। आज मैंने कहा मैं खुद रिव्यू नहीं करूंगा। ये फूड पांडा वाले जो भाईजान है ना, ये बड़े खूबसूरत से प्यारे से, मैंने सोचा क्यों आज इनसे मैं रिव्यू कराऊं। भाई ने इसको खोल के दिखाएं इसके अंदर क्या क्या है। ये है बन है इसके अंदर, ये देख ले, भाईजान को भी पूरा तजर्बा है इसके अंदर। ये है ऑमलेट टाइप, एग है, फ्राइड एग है, और साथ शामी है, और थोड़ी सी सैलेड, केचप और लाइक वो है मेयोनीज है। अच्छा भाईजान, आप इसको खा के बताएं कैसा है। ये मैंने इसलिए 2 अंडे बर्गर मंगवाए थे आज के, एक मैं खुद खाऊंगा और एक जो भाईजान मुझे देने आएंगे ना उनको खिलाऊंगा, और साथ उनसे पूछूंगा कि ये कैसा है इनका बर्गर। टेस्ट ऐसा है कि लाइक कमर्शियल टेस्ट नहीं है, लेकिन इस प्राइस में ये बेस्ट बर्गर है जो घर से काम कर रहे हैं ना, मतलब घर से ही है, साफ सुथरा है घर से, क्योंकि जो काम कर रहे हैं ना उनका पता है कि आपको कि उनकी चीज अच्छी है। जो बाजार वाले कर रहे हैं कभी कभी वो डंडी भी मार जाते हैं। बस काफी चीजें होती हैं बाजार वालों में, लाइक शामी बर्गर मतलब हम देखते हैं जो अड्डे वगैरह गंदे ही होते हैं उनके, जहाँ पे वो काम करते हैं, तो ये हाइजेनिक फूड होता है इनका घर वालों का। ये आपका पहला तजर्बा है कि इससे पहले भी तजर्बा हो गया कि आप वीडियो कर रहे हैं मेरे साथ? आज आपसे मैं वीडियो करवा रहा हूँ। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ किसी भी लाइक कस्टमर के साथ जिसको मैं ऑर्डर डिलीवर करने आया। भाईजान का फोन भी बज रहा है। और आपको कितना अर्सा हो गया फूड पांडा में काम करते हुए? मुझे 3 हो गया। और कैसा जा रहा आपका तजर्बा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा। लोग तंग तो नहीं करते? नहीं, लोगों ने क्या तंग करना है, बस अपना काम करते हैं बस। चले भाईजान, मतलब आपने इस बर्गर को पास कर दिया। इसका नाम क्या था? सामियास किचन, बना हुआ है फैसल टाउन में। तो अगर आप फैसल टाउन या उसके इर्द गिर्द रहते हैं तो आपको चाहिए कि आप भी इनसे बर्गर मंगवाएं और ट्राई करें कि कैसा हो सकता है। आप दें मुझे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, नहीं बल्कि मैं भाईजान के साथ आता हूँ कैमरे के आगे और फिर हम दोनों भाई जो है ना आपसे इजाज़त लेते हैं। अब हम दोनों को दें इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। मैं भी अपना बर्गर ख़त्म करता हूँ और भाईजान भी अपना बर्गर ख़त्म करते हैं। तो आप देखते रहें फूड वॉट्स, और इसी तरह जो है ना आप मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, और हाँ जो आपके दोस्त रहते हैं ना फैसल टाउन वगैरह में इधर उधर, तो आप उनको ज़रूर बताएं कि आपने सामियास किचन फैसल टाउन में बना हुआ है, उनका आपने ज़रूर बर्गर ट्राई करना है फूड पांडा से ऑर्डर करवा के, और आपने फिर हमें बताना भी कि आपको बर्गर कैसा लगा। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।